चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल पर। मैं वासुदेव द्विवेदी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से होली सेलिब्रेट किया होगा और उसके बाद जो है अब फेस्टिवल के मूड से बाहर निकल आए होंगे। और फेस्टिवल के मूड से बाहर निकल करके अब हम क्या करेंगे, अब हम बात कर रहे होंगे आकर के मध्य प्रदेश में मिसलेनियस देख रहे होंगे। नमस्कार राधे राधे, मधु शर्मा जी, पीयूष द्विवेदी जी, जय श्री राम, विजय कुमारी द्विवेदी जी, नमस्ते मधु शर्मा जी, राहुल राज जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ सब जल्दी जल्दी आ जाओ। और अच्छा शिवांगी उपाध्याय जी, हाय हेलो, चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा पहले ये बताओ सबकी होली कैसी रही? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मनाई होगी आप लोगों ने, मैंने तो इतनी मनाई कि पूछो मत। अब आप लोगों का पता नहीं आप लोग इन्जॉय कर पाए या नहीं कर पाए, मेरे हिसाब से सबने इन्जॉय किया होगा और ज़रूरी भी है। गुड इवनिंग प्रियंका वर्मा जी, गुड इवनिंग शैलेश सिंह यादव जी, गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है। चलो देवेश शर्मा जी, राधे राधे, राधे राधे जी। सर प्लीज़ बताइए क्या यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी 2021 में आएगी? बिल्कुल आएगी, जैसा योगी बाबा जी का कहना है उस हिसाब से आएगी। और देखो बच्चे, इस बात को लेकर के निश्चित रहो, वैकेंसी ज़रूर आएगी। वैकेंसी इसलिए आएगी क्योंकि इलेक्शन है, और इलेक्शन है तो आपके पास वैकेंसी आना जरूरी है। तो इस बात को याद रखा करो कि जब भी इलेक्शन होगा ना तब तब वैकेंसी आएगी, तो आपके पास वैकेंसी आएगी, क्यों परेशान हो? परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वैकेंसी ज़रूर आएगी। मनीष वर्मा जी, प्रियंका रावत जी, मस्त यूपी जीके में जा रहे हैं सर जी। चलिए देवेश शर्मा जी, बिल्कुल जाइए, जहाँ भी मन है वहाँ पढ़िए, बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है? पढ़ाई ज़रूरी है, हमको अपनी तैयारी रखना है, ठीक है? और तैयारी अच्छे से करना, उसी से हमारा काम बनेगा। अगर आप लोग तैयारी अच्छी नहीं करोगे तो उससे काम नहीं बनेगा। हाँ, एमपी पुलिस का पेपर होगा, आपने फॉर्म भरा है, ज़रूर पेपर होगा, इस बात को लेकर के निश्चित रहो, आपका पेपर ज़रूर होगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आप ये मान के चलो कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, अभी पीएससी हो जाएगा अप्रैल के बाद, मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम आप ये मान के चलो मई मंथ में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इस बात को बिल्कुल श्योर लेकर के चलो। और अपनी तैयारी में कोई ढील मत दो, ठीक है? यहाँ से ये कर लेंगे, आज की क्लास में मध्य प्रदेश का विविध कर लेंगे, इसके बाद आपको मालूम है खेल से मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम खेल का कर लेंगे। और आप ये बात मान करके चलना, अगर आप स्पोर्ट्स कर दोगे तो एमपी में आपके पास, चाहे एमपी पीएससी दे रहे हो, चाहे आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके चार नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता। चार नंबर कहने का मतलब है दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, तो आपके पास दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है? हाँ, एमपीपीएससी अभी आप ये मान करके चलो कि आपका एमपीपीएससी 11 तारीख को ही होना है, 11 अप्रैल को ही होना है। आपने ये देखा होगा कि आज गवर्नमेंट ऑफ एमपी का एक नोटिफिकेशन भी आया था, जिसमें उसने क्या किया है, उसने जो है 1 से लेकर के 8 तक की क्लासों को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है, तो 15 तारीख तक, मतलब 15 अप्रैल तक नहीं लगेंगी। बाकी अगर आप लोगों ने देखा होगा 9 से लेकर के 12 तक की जो क्लासेस हैं वो अपने ऑन टाइम पर होंगी, मतलब 1 अप्रैल से खुल जाएंगी, ठीक है? इसके लिए पूर्ववत रहेगी सूचना, ये बात किसने कही है, एमपी गवर्नमेंट ने, तो इस बात को भी याद रखना है। पेपर होगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? विजित माझी जी, आशीष कुमार जी, क्या बताना है मनीष वर्मा जी, मैंने सुना नहीं, आप एक काम करिएगा, यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, एग्जाम्पल चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? एमपी का पेपर पता नहीं कब होगा, इस बात से बिल्कुल निश्चित रहो, एमपी का पेपर होगा और 100% होगा, जो डेट दे दी ना मैंने, इस डेट में हो जाएगा आपका, बिल्कुल इस बात को ध्यान में लेकर के चलो कि आपका एग्जाम होना निश्चित है, और एग्जाम पर फोकस करो, ठीक है? अपनी तैयारी पर फोकस करो, उस बात को याद रखते हुए चलना है। चलो आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आप लोग जल्दी से क्या करो, जवाब देना स्टार्ट कर दो। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, इसका आप लोग आंसर करना चालू करो। द नेम ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज
मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर कर दोगे और बिल्कुल सही आंसर देंगे, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, इसका सही आंसर करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है? इसका क्या है, आपको क्या दिखाई देता है, मध्य प्रदेश के अगर राजकीय पक्षी की बात करते तो सही आंसर क्या होगा हमारा, शाही बुलबुल होगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर होगा, शाही बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है? अब देखो अगर हम बात करते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर की, तो आपको ये बात यहां पर मालूम होनी चाहिए कि इन द ईयर ऑफ फर्स्ट 1981 फर्स्ट ऑफ नवंबर 1981 में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने हमारे यहां क्या कर दिया, देखो राष्ट्रीय मतलब राजकीय पशु पक्षी और साथ में वृक्ष, ठीक है? तो इस बात को याद रखना, क्या अपनाया हमने, पशु अपनाया, पक्षी अपनाया और क्या अपनाया है, तो वृक्ष अपनाया है। ये कब किया गया था, तो ये फर्स्ट ऑफ नवंबर 1981 में, इस समय क्या था, मध्य प्रदेश के गठन की 25वीं वर्षगांठ थी और इस वर्षगांठ के समय हमने क्या कर दिया, हमने जो पशु पक्षी और वृक्ष अपना लिया, बात सही है? हाँ बिल्कुल, आप सभी के आंसर सही है। यहां पर पहले समझो, ठीक है, पशु पक्षी और वृक्ष अपनाए थे हमने, तो मध्य प्रदेश में अगर हम मैं आपसे पूछ लूं कि राजकीय पशु कौन सा है, तब आप क्या बताओगे, भाई राजकीय पशु भी बताना है आपको, राजकीय पक्षी भी बताना और राजकीय वृक्ष भी याद रखना है। यहां पर इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने की, इसे अपनाया कब गया, सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपके पास क्या पड़ती है, ये वाली जो डेट है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस डेट को याद रखना कि फर्स्ट ऑफ नवंबर 1981 में हमने क्या क्या अपनाया था, तो राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष, इनको क्या किया था, अपना राजकीय पशु बनाया था, पक्षी बनाया था और वृक्ष अपनाया था, ठीक है? 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है? इस बात को याद रखते हुए चलना, और इतना जब आप किसी क्वेश्चन में देखोगे ये पार्ट कौन सा कहलाता है आपका, तो ये विविध का कहलाता है, ठीक है? विविध या हमारा मिसलेनियस का टॉपिक है, और इस टॉपिक से आपके पास हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट दे दो, विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है? विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको क्या बताना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। पहला है आपके सामने कपिलधारा फॉल, कपिलधारा जलप्रपात, दूसरा है आपके सामने भालकुंड जलप्रपात, तीसरा है आपके सामने चचाई जलप्रपात और चौथा है आपके सामने सहस्त्रधारा वाटरफॉल, इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा है? बिल्कुल बहुत, विजय कुमारी द्विवेदी जी का आ चुका है, संदीप सिंह जी के, मधु शर्मा जी, ठीक है, मीना जी का आ चुका, पंचमलाल प्रजापति जी, राम राम जी, चचाई, बहुत बढ़िया, पंचमलाल जी बताएंगे इसके बारे में, नीलम देवड़ा जी, मधु शर्मा जी, सी, बहुत बढ़िया सी, आप सभी का आंसर आ गया है, ठीक है? हाँ प्रियंका वर्मा जी, बिल्कुल, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चचाई जलप्रपात है किस जिले पर, तो आपको मालूम होना चाहिए रीवा जिले में है, ठीक है? जिला कौन सा हो जाता है हमारा, तो जिले की अगर बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा रीवा डिस्ट्रिक्ट है। हाइट कितनी है, 130 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है? और इसके साथ ये क्या बनता है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात बन जाता है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रोज होती है भाई चेतन सिंह जी, डेली क्लासेस होती है, आज आप आए हैं तो क्या हुआ, क्लासेस मेरी डेली चलती हैं, बस आप लोग क्या करते हो, एक दिन कोई आता है एक दिन कोई और आता है। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, आंसर देना स्टार्ट कर दो। वेयर इज द नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कहां स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इंदौर। जल्दी से आओ और जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल, वो भी मैं लेकर के आऊंगा। 31 तारीख देखो, अच्छा मणिकर्णिका जी, हाँ बिल्कुल, आप रोज आते हैं, अच्छा चलो उज्जैन दे रहे हैं लोग आंसर, और कोई है? अच्छा मणिकर्णिका जी का उज्जैन आया है, राहुल जी का डी इंदौर, ये नीलम देवड़ा जी का आया है इंदौर, ठीक है, पंचम लाल प्रजापति जी का आया है उज्जैन, उज्जैन, अच्छा इंदौर में तो नहीं है,
इंदौर में तो नहीं है, उज्जैन। सबका आंसर ए आ रहा है, ठीक है। सबका आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। महेंद्र कुशवाहा जी, जय महाकाल की। नागरी जी बिल्कुल महाकाल की नगरी में। तो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? आपका उज्जैन में है। देखो क्या होता है, बुक वाले क्या कर देते हैं, जो संयंत्र है उसको भी यहीं पर ला देते हैं और उसकी जगह क्या लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं इंदौर, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बुक में क्या दिया रहता है, आपको इंदौर दे देते हैं। क्या करते हैं वो? तो राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र, जो सबसे बड़ा संयंत्र की बात है ना, उसको लेकर के कहां जाएंगे, उसी से जोड़ देते हैं उज्जैन को भी। इसलिए आप लोगों को क्या दिखाई देता है वहां पर, गलत हो जाता है। अरे बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग विद विनोद मीना, आपका भी ले लिया भाई, इतना बड़ा नाम था इसलिए नहीं ले पाया आपका नाम, ठीक है। अब तो खुश हो गए, इस बात को याद रखो। नेक्स्ट, अच्छा मैं यहीं पर अगर आपसे पूछ लूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर हमारे पास क्वेश्चन आए जबलपुर में क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए जबलपुर में हमको क्या दिखाई देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, जबलपुर में। इसका मतलब क्या हुआ? उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन से लेकर संबंधित जो रिसर्च की जाती है, यह कहां पर है आपका? जबलपुर में। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका? तो यह आ जाता है आपका जबलपुर में। इंदौर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये बताओ मुझे, ठीक है, इंदौर में और भोपाल में बता दो। भोपाल में देखो, भोपाल में जब आप जाते हो तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये इंपॉर्टेंट कहां पर हो जाता है आपका? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भोपाल पर। इतनी बातें याद रखो, ठीक है। जबलपुर मदन महल नहीं, ये कहां पर है जबलपुर में? तो जब आप जाते हो किस पर, समाधि रोड कहलाती है, ठीक है, समाधि रोड, या इसी को आप कहते हो बरगी, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा समाधि रोड का, ठीक है। उसी समाधि रोड पर जब आप जाते हो गौर पर, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, उष्ण कटिबंधीय वन रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर, सोयाबीन, चलो मैं कर लूंगा, वैसे मुझे भी, चलो मैं करके आपको बताऊंगा, ठीक है, उसे एक बार देख लेंगे अपन। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड, तो ये तो बहुत आसान आंसर है, आप लोग इसका आंसर दे दोगे, ये कब रहा आपका? 1 नवंबर 1956, ठीक है, ये बहुत आसान आंसर है, बिल्कुल आप लोग इसका आंसर दे दोगे। आरती जी आपका भी नाम ले लिया है, बिल्कुल ले लिया, पूजा जी का हो गया, मधु शर्मा जी का, एस एस स्वरूपा एमपी हो गया, मणिकर्णिका भार्गव जी का हो गया है, दिख नहीं रहा है, अच्छा कल से इसकी मैं क्वालिटी और बढ़ा दूंगा। एशिया का उज्जैन है, ठीक है, अच्छा एशिया का उज्जैन, हाँ ठीक है, ओके ठीक, हाँ चलिए मैं उसको देख लेता हूँ। प्रियंका जी का हो गया, नीलम देवड़ा जी का हो गया, अंकित पंडित जी का हो चुका है, आप सभी का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आ जाओ और अगला बता दो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ओपियम, सो ऑन मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? पहले का ऑप्शन ए कह रहा है मंदसौर, बी कह रहा है शिवपुरी, सी कह रहा है सागर और डी कह रहा है बिलासपुर। आप लोग बता दोगे इसका आंसर, बहुत आसान है, बिल्कुल आप सभी को राम राम, जल्दी से दो, इसका बहुत आसान है। हाँ हरिओम शर्मा जी आ चुका, विजय कुमार द्विवेदी जी का आया, नेटवर्किंग मीना जी का आ चुका है, विजय कुमार द्विवेदी जी, अरब जी का आ चुका है, बालेंद्र कुशवाहा जी का आ चुका है, देवेंद्र वर्मा जी का आ चुका है, विजय कुमार द्विवेदी, अर्णव जी का, पूजा जी का, मधु शर्मा जी, बहुत बढ़िया, मणिकर्णिका भार्गव जी, मंदसौर,
हाँ, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका मंदसौर होगा। ठीक है, राइट आंसर इज अ मंदसौर। हाँ, पिछला क्वेश्चन जो मैंने ये वाला बताया था, एक मिनट आ जाता हूं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। और क्या बात कर रहे थे हम, एक सेकेंड, ये जो आपने इसका आंसर उज्जैन बताया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंदौर। ठीक है, उज्जैन में क्या है तो इस बात को याद रखिएगा, उज्जैन में आपको देखने को मिलता है एशिया का मिलेगा। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? आपका राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है। और उज्जैन में जो आपको दिखाई देता है वो कहां, कौन सा दिखाई देता है? तो आपको दिखाई देता है एशिया का। ठीक है, एशियाई सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, लेकिन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की जब बात आएगी तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये आपका इंदौर पर है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग क्या करिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करिएगा आप लोग, करेक्ट कर लेना। बात क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लेना और इसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका एशिया का कहां पर, उज्जैन में। अगर बात की जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पर है आपका, इंदौर में। बिल्कुल, चलो आ जाओ। एमपी का सेंटर पॉइंट सागर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? जल्दी से आकर के आंसर दे दो। 230, 232, 225 और 216। तो ये आप सभी को आंसर मालूम है कि कितनी है? 230 है। हाँ, आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से जाओ। विजय कुमारी द्विवेदी जी, बालेन जी, ठीक है, मणिकर्णिका भार्गव जी, 230। अब आपको यहीं पर बताना है एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितनी सीटें हैं, कहां पर? तो विधानसभा में। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तो ये हो रही है आपकी विधानसभा में। अगर मैं यहीं पर पूछ लूं, लोकसभा में भी आपको आंसर देना है। ठीक है, यहां पर किसका आंसर देना है आपको? लोकसभा की भी आंसर देना है, या इस तरफ आप दे दो किसका। ये हो गया आपका विधानसभा, और ये क्या हो जाता है आपका लोकसभा। एसटी और एससी दोनों के बारे में बताना है। एसटी को लेकर के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए एसटी की 47 सीट्स हैं। एससी की टोटल कितनी सीटें आती, तो आपको मालूम होनी चाहिए 35 सीट्स हैं। लोकसभा में आ जाते हैं तो कितनी आपको देखने को मिलेगी, तो यहां पर 6 देखने को मिलेगी। यहां पर कितनी देखने को मिलेगी, 4 देखने को मिलेगी। बात क्लियर है एसटी के लिए 6 और 4 का। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे टोटल नहीं बताना है, टोटल में से देखो टोटल कितनी थी। टोटल तो मान लेते हैं हम, लोकसभा की कितनी है, 29 है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि राज्यसभा में क्या आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता? तो आपको यह बात भी मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन किस पर लागू नहीं होता है? राज्यसभा पर लागू नहीं होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल पीयूष शंकर जी, आप बहुत बढ़िया जा रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों, अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नहीं मिलता, बहुत बढ़िया। राज्यसभा में 11 सीटें मध्य प्रदेश की, लेकिन उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। आकर के इसका आंसर दो। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्यामाचरण शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, पंडित रविशंकर शुक्ल और भगवंत राव मंडोई या मंडलोई। जल्दी से बताओ, आंसर आ रहा सी, बहुत बढ़िया। चलो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल क्या बने आपके? मध्य प्रदेश के
प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आपको दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहला मुख्यमंत्री पार्ट ए का भी सीएम, ठीक है, पार्ट ए के भी सीएम यही थे। क्या बना था जब आपका पार्ट ए स्टेट था, इसके भी सीएम कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ला थे। तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, पंडित रविशंकर शुक्ला दिखाई देंगे। भगवत राव मंडलोई कब थे, तो आपको मालूम होना चाहिए ये मंडलोई जी आपको दिखाई देते हैं 1962 और 1963 की बात है। इस टाइम पर ये क्या थे, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देते हैं 1962-63 में। और कैलाशनाथ काटजू जी कब थे आपका, जल्दी से बता दो, कैलाशनाथ काटजू जी, तो इलेक्शन हुआ था पहले, इलेक्शन के बाद इन द ईयर ऑफ 1957 ये क्या बने, सीएम बन गए। श्यामा प्रसाद जी का भी बता दो, श्यामा चरण शुक्ला जी का कब थे, तो आपको मालूम होना चाहिए लगभग बात है श्यामा चरण शुक्ल की 1969 के आसपास ये क्या बने, मुख्यमंत्री बने। तो कभी कभी ये आ जाता है आपके पास ऑप्शन, अगर इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दे देता, जैसे मान लेते हम एक ऑप्शन क्या दे देते, ई दे देते और ई में मैं लिख देता, ठीक है, पंडित वसुदेव शास्त्री, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता, यहां पर अगर पूछ लेता कि मध्य प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री नहीं थे, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन बनाया भी गया है जिसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। आपको कब देखने को मिलता है, यहां पर देखो ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल लेनी है तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको नौकरी लेनी है तो यहीं से आएगी। तो देखो सबसे पहली बात याद रखो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये चारों तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कौन नहीं थे, तो मैं नहीं था, ठीक है, मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो इस बात को भी याद रखते हुए चलना है, ठीक है, बिल्कुल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है भाई, श्यामा चरण शुक्ल जी हैं, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, श्यामा प्रसाद शुक्ल जी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी बता दोगे कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, विमला शर्मा जी, विजय राजे सिंधिया जी, निर्मला यादव जी और उमा भारती जी। जल्दी से आ जाओ और कमेंट करना स्टार्ट कर दो, देखता हूँ किसका किसका कमेंट आ रहा है। मणिकर्णिका भार्गव जी का आ चुका है, ठीक है, विजय कुमारी द्विवेदी जी, फूल सिंह जी का आ चुका है, निधि जी का आ चुका है, हरिओम जी का आ चुका है, आशुतोष जी का आ चुका है, गोल्डन जी का आ चुका है, मुकेश, आशुतोष, संदीप, आशीष, रविंद्र गुर्जर जी, निधि जी का आ चुका है, हरिओम जी का आ चुका है, देवी दयाल प्रजापति जी का भी आ चुका है, आशुतोष जी बहुत बढ़िया, शिवम कश्यप जी का भी आ चुका है, निधि चौधरी जी, आप लोग एक एक कमेंट किया करो ना तो मैं सबका पढ़ पाऊंगा। प्रियंका वर्मा जी, तो पहली सीएम कौन सी हो जाती है, उमा भारती। कब बनी थी ये सीएम, ये कोई बताएगा क्या मुझे, कौन से सन में ये सीएम का इलेक्शन जीती थी, तो 2003 में ये क्या बनी थी, सीएम बनी थी 2003 में। हाँ बिल्कुल, बहुत सही, आप सभी का आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, जल्दी से आकर के कमेंट बता दो। मध्य प्रदेश के आशीष धाकर जी, अच्छा उमा बुआ जी, बहुत बढ़िया, उमा जी के बाद कौन आए, बाबूलाल गौर, ठीक है, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, जल्दी आओ और इसका आंसर देना स्टार्ट कर दो। विजय कुमारी द्विवेदी जी का आ चुका है, ठीक है, और इन्होंने क्या आंसर दिया है, सी हरिओम जी का आ चुका है, ठीक है, रविंद्र गुर्जर डी, डी निधि गोरमे जी सी कह रही हैं 2003 के बाद, हाँ ठीक है बाबू, श्योपुर, चलो भाई श्योपुर, श्योपुर सी किसका आ रहा है, देवेंद्र वर्मा जी का आ रहा है, कैसे भाई, राहुल मौर्य जी का भी सी आ रहा है, मैं गलत वाले पढ़ लेता हूँ कमेंट, मुस्कान सिंह जी का सी आया है, ठीक है, चलो भाई शिवपुरी को कह रहे हैं, शिवम जी का सी आया, अच्छा भाई कैसे कर रहे हो कश्यप जी, पंचमलाल प्रजापति जी 9th का आप भी सी कह रहे हैं, अच्छा उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श नहीं करती, बहुत बढ़िया भाई, पर तो
राहुल मौर्या जी का सी बहुत बढ़िया, नीलम जी का, बाकी सबका डी है, फूल सिंह मीणा जी का भी आ चुका है कमेंट, बहुत बढ़िया। चलो अब जल्दी से एक बात बता दो मुझे आप लोग, सी कैसे कह दिया। आदित्य कुमार जी का भी सी, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने मतलब एमपी का मैप नहीं देखा है, ये क्या है मान लो थोड़ी देर के लिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है, इस मैप को लेकर के चलो कि ये हमारा क्या है, ये हमको एमपी दिखाई देता है, ये मान लेते हमारा क्या हो गया, हमारा एमपी हो गया। यहाँ पर मध्य प्रदेश में आ जाते, थोड़ा सा मैप से ही बात कर लेते। आप लोग जो है मेरे स्टूडेंट होकर के भी ये ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने ऐसे भी गलत कर दिया तो फिर मुझे मैप बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखो कि आप लोगों को क्वेश्चंस क्या नहीं करने, गलत नहीं करने। चलो मान लेते हैं ये आपको एमपी देखने को मिल गया। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में आप मुझे एक बात बताओ, शिवपुरी आपको कहां पर दिखाई देते हैं। शिवपुरी ये आपका मध्य प्रदेश की जो गर्दन है, मान लेते हैं यही आपका क्या हो गया, शिवपुरी हो गया। तो एक बात बताओ, इधर की तरफ यूपी है या नहीं है, इधर की तरफ राजस्थान है या नहीं है। भाई आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग एक बार जो है शिवपुर कह देते तो मैं मान भी जाता। ठीक है, ये हो गया आपका शिवपुर। शिवपुर से चलो ऊपर चलो, ये वाला आपका जिला कौन सा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये हमारा हो गया भाई मुरैना हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मुरैना हो गया। मुरैना के बाद अगर मैं इधर आ जाता हूं तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा दिखाई देगा, तो ये हो जाता है आपका भिंड डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, भिंड के बाद अगर आप चलते हो तो ये वाला कॉर्नर आपका कौन सा हो गया, ये कॉर्नर हो गया आपका दतिया का। दतिया के बाद ये बीच वाला क्या हो गया आपका, ये यहाँ जुड़े रहने दो, बीच का हो गया आपका ग्वालियर, जिसकी किसी के साथ सीमा नहीं बनती है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पर आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है, यहाँ पर है आपका अशोकनगर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अशोकनगर हो गया। अशोकनगर को आप ऐसे क्रॉस करोगे, ये क्या हो गया आपका सागर हो गया। ठीक है, सागर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, तो ये वाला हो गया आपका टीकमगढ़ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका टीकमगढ़ हो गया। अब इसके आगे चलो, देखो टीकमगढ़ के ऊपर ये नया जिला बन गया है, नाम क्या है इसका, निमाड़ी है। ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको निमाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, निमाड़ी के बाद आप यहां पर चलोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो गया आपका छतरपुर हो गया। छतरपुर के बाद और आगे चलो, ये क्या हो गया आपका पन्ना हो गया। ठीक है, क्या हुआ आपका पन्ना हो गया, ये यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, तो इस तरफ आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा सतना। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दिया, ये हो गया आपका रीवा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका रीवा हो गया। यहां से कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा, ये तो इसका नाम है सिंगरौली, सिंगरौली हो गया। आप बताओ सी कैसे हो गया, डी है ना, विजय कुमारी द्विवेदी जी। अब बताओ यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताते चलो, कितने जिले आपको मैंने दिखा दिए यूपी के साथ। देखो एक आपका क्या हो गया यूपी के साथ, कौन कौन से जिले लग रहे हैं यहां पर, देखो ये वाला क्या शिवपुर यूपी से लग रहा है क्या, यहां तो यूपी नहीं आ रहा ना, यहां क्या यूपी आ रहा है, ये यूपी की सीमा हो गई आपकी, यूपी की सीमा यहां हो गई आपकी, ये शिवपुर में तो नहीं आ रहा ना, ग्वालियर में नहीं आ रहा। इसमें भाई रीवा भी किससे लगता है, ये भी यूपी से लगता है, सतना भी किससे लगेगा, यूपी से लगेगा, यहां पर शिवपुरी भी किसको लग रहा है, यूपी से लग रहा है, प्लस राजस्थान से भी लगता है। शिवपुर किससे लगता है, शिवपुर सिर्फ और सिर्फ किससे लगता है आपका, राजस्थान से लगता है। बात क्लियर हो गई ना, इतनी डी है ना आंसर, हाँ बिल्कुल। एक बार में याद किया करो, ये तो कभी गलत होने नहीं चाहिए, मैप याद होना चाहिए, इधर आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि इधर कौन कौन से हमको जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां से चल के कहां तक आना है, नीमच तक आना है, नीमच से चलना है नीचे कहां तक जाना है, झाबुआ तक जाना है, झाबुआ से स्टार्ट करना है, यहां कहां तक आना है, बालाघाट तक आना है, और बालाघाट से फिर यहां सिंगरौली तक आ जाना है, बस इतना सा बात है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग गलत कर देते हो। ठीक है, किससे लग रहा है, तो ये पन्ना की बॉर्डर भी आपको देखने को मिल जाए। चलो नेक्स्ट आओ, आफ्टर द पार्टीशन हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट बॉर्डर विद शेयर द बॉर्डर विद मध्य प्रदेश। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं,
जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। चलो फूल सिंह जी का आ चुका है, विजय कुमार द्विवेदी जी का आ चुका है, बिल्कुल पंचम लाल प्रजापति जी ने। बी 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 क्या कह रहे थे पंचम जी? आपका कमेंट ऊपर चला गया, वापस कर दो एक बार तो मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ चुका है। आप सभी क्या कर रहे हो? बी कर रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ कल खुल जाएगी, ऑफलाइन कल से स्टार्ट हो जाएंगी। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर सही है। नेक्स्ट वन आ जाओ अगला। चलो वेयर इज इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कोलकाता। हाँ हाँ खुल जाएगी, खुल जाएगी, बिल्कुल जल्दी आओ। विजय कुमारी द्विवेदी जी का आ चुका है, फूल सिंह मीना जी का आ चुका है, नेहा सिंह जी का आ चुका है, स्वरूपानंद द्विवेदी जी का आ गया, मणिकर्णिका भार्गव जी, बिल्कुल विजय कुमार जी का, पंचम लाल प्रजापति जी का। अच्छा चलो भोपाल, भोपाल ये कौन है भाई? राजा रावेंद्र कुशवाहा जी। कैसे गलत दे रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बहुत अच्छे आजाओ, आप सभी के आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, द राइट आंसर इज अ बी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बता दो वेयर इज द नेशनल बैंक नोट प्रेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? वेयर इज नेशनल बैंक नोट प्रेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है जबलपुर, ऑप्शन बी कह रहा आपका देवास, ऑप्शन सी कह रहा ग्वालियर, ऑप्शन डी कह रहा नेपानगर। जल्दी से आकर के आंसर बता दो। बिल्कुल विजय कुमार द्विवेदी जी, पुराना विजय कुमार जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल एडवर्ड क्या है पुराना नाम। हाँ ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, पुराना नाम भी पूछ लिया गया था। चलो नेहा जी क्या कह रहे हैं? देवास। चलो बी कौन कह रहा, सी कौन कह रहा? देवास देवास देवास, बी बी बी, ठीक है सी भी कोई कह रहा है, ग्वालियर। भाई बहुत बढ़िया, आप लोग तो क्या कर देते हो, धुआं उड़ा देते हो क्वेश्चनों का। इतना सुंदर आंसर कौन देता है इसमें भाई? ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। ये क्या है? इसका आंसर देवास है। नेपा नगर किसके लिए है? अखबारी कागज कारखाना है, ठीक है किसके लिए? अखबारी कागज कारखाने के लिए जाना जाता है। ग्वालियर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखो आप पटवारी प्रशिक्षण आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या हो जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑडिटर जनरल ऑफिस है, एजी ऑफिस, ये कहां पर है? ये भी ग्वालियर पर है। और साथ में अगर आपको मालूम हो भू राजस्व का ऑफिस भी कहां पर है? ग्वालियर में। ये तीन याद रखो, पटवारी परीक्षण, एजी और भू राजस्व। इतनी बातें आपको ग्वालियर के साथ याद रखनी है, ठीक है। ग्वालियर के साथ कितनी बातें याद रखनी, बस छोटी छोटी बातें याद रखनी है ग्वालियर के साथ। बताओ इतनी बातें समझ में आई या नहीं? ठीक है, पटवारी का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? आपको यहीं पर देखने को मिलेगा ग्वालियर में। और क्या मिलता है यहां पर आपके लिए? तो मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका? महालेखाकार कार्यालय, ठीक है। महालेखाकार कार्यालय कहां पर है? तो यह भी आपको दिखाई देगा ग्वालियर में। भू राजस्व का कहां पर है? तो ग्वालियर में है। या भू अभिलेख कार्यालय कहते हैं इसको, भू राजस्व न्यायालय समझ लो आप, ठीक है। यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा?
भू राजस्व न्यायालय भी है। ये कहाँ है आपका? तो ये भी ग्वालियर पे है। ठीक है, ग्वालियर में भू राजस्व न्यायालय, भू अभिलेखा कार्यालय है और साथ में क्या है आपका? एजी ऑफिस है। ठीक है, ये भू राजस्व क्या है आपका? तो न्यायालय है। कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। बस इतनी बातें याद रखो। हाँ बिल्कुल, ग्वालियर एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, आप मधु शर्मा जी मुरैना से हैं, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अभी बताया था आप लोगों ने। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? द बनियन ट्री, मतलब बरगद। ठीक है, अपनाया कब गया था वृक्ष पशु? आपको मालूम है कब अपनाए गए थे? तो आपको मालूम होना चाहिए 1 नवंबर 1981 में। ठीक है, राजकीय वृक्ष अपनाया गया था, पशु अपनाया गया था और पक्षी अपनाया गया था। बिल्कुल, बरगद इज द राइट आंसर। बिल्कुल, सूरज सोनकर जी का चुका है, फूल सिंह मीणा जी का चुका है, सैल्यू जी का चुका है, पूजा विजय कुमार जी का चुका है, नीलम जी का चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। महिला अरे वो पुराना हो गया, चलो आगे आओ। हरिओम शर्मा जी का चुका है, बहुत बढ़िया। 1981, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? इसका आंसर बताओ, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य? बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टू द साउथ ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है? बताओ जल्दी से। ये मान लो आपका MP है। ठीक है, ये इस तरफ आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो गया। ये पूरा ऐसे लिख दूं तो आपको क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे लिख दूं तो आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इधर लिख दूं तो आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और यहां लिख दूं तो आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बस इतना याद रखो। तो साउथ में कौन सा हो जाता है? दक्षिण में महाराष्ट्र हो गया। बस इतनी बात है। हाँ बिल्कुल, सबके सही है, बहुत बढ़िया। जय महाराष्ट्र, जय मराठा, जय शिवाजी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आज बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? आकर के आंसर देना। सबसे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कितना? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। 4,08,252 स्क्वायर किलोमीटर या 5,08,245 स्क्वायर किलोमीटर या 3,58,245 स्क्वायर किलोमीटर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए है। बिल्कुल, आप सभी का आंसर सही है। आप लोग आसान वाले क्वेश्चन पर अच्छी तरीके से टूटते हो। कल से थोड़े से कठिन क्वेश्चन आएंगे। कल क्या होगा आपके सामने? कल होगा स्पोर्ट्स, मतलब हम बात कर रहे होंगे खेल को लेकर के। मध्य प्रदेश के खेलों से हम क्या कर रहे होंगे? क्वेश्चंस कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से बता दो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया? मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी सिवनी। ठीक है, ऑप्शन सी सिवनी, ऑप्शन डी जबलपुर। जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, मधु शर्मा जी आ गए हैं, फूल सिंह मीणा जी का आ गया, आदित्य कुमार जी का आ चुका, पंचम लाल प्रजापति जी का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सभी का आ चुका। मणिकर्णिका जी का आ चुका है, पंचम लाल जी हैं, विजय जी हैं, आशुतोष जी, हरिओम जी, नेहा जी, निधि जी, हरिओम जी, नीलम जी, विजय जी। बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ गया और राइट आंसर इज जबलपुर। जबलपुर बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेयर इज द मसाला पार्क बींग सेटअप इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
जल्दी से आंसर बताओ, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, हाँ उसका हो गया। इसका बताओ, इसका आंसर, अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आया है, जल्दी से। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, फूल सिंह मीना जी, बिल्कुल इसका जवाब 17 का। सब लोग क्या कह रहे हो? सी दिया है विजय कुमार द्विवेदी जी ने, अमित गुजर जी बी कह रहे हैं, स्वरूपानंद द्विवेदी जी सी, मधु शर्मा जी डी कह रही हैं, विजय कुमार जी और अरुण गुजर जी सबसे अलग बी कह रहे हैं। ठीक है, सी छिंदवाड़ा, और इसमें आए गुलशन सिंह मरावी जी, ये और अलग है, बिल्कुल डी कह दिया इन्होंने। वाह भाई बहुत बढ़िया। और आकाश सिंह जी फिर आ चुके हैं बी के साथ, भाई इतना गलत मत किया करो, मसाला पार्क कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? छिंदवाड़ा में है। ठीक है, मसाला पार्क कहाँ पर है आपका? तो राइट आंसर इज छिंदवाड़ा। भाई प्रियंका कुमारी जी याद रखिएगा कि छिंदवाड़ा में है। ठीक है, इस आंसर को गलत मत करो, बहुत आसान आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, वो ही हो गया। ठीक है, इस ये क्या है आपका बोर्ड है। निम्न में से किस न, कौन से नगर में स्थित है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड? कहां पर है? भोपाल में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है या जबलपुर में है? जल्दी से बताओ। आ चुका है मणि जी का, आ चुका है आदित्य कुमार जी सी कह रहे हैं, आकाश सेंगर जी, विजय कुमारी द्विवेदी जी, विजय कुमारी द्विवेदी जी का है, उसके बाद अंकुर कुमार जी, हरिओम जी का आ चुका है, सूरज सोनकर जी का आ चुका है, स्वरूपानंद द्विवेदी जी का आया, प्रियंका जी, विजय जी, सतीश जी, संदीप जी, हरिकृष्ण, एन के सिंह, मणिकर्णिका जी, पंचमलाल प्रजापति जी। बहुत बढ़िया आप सभी के आंसर्स, बिल्कुल। और इसका राइट आंसर क्या है? बी कई लोग दे रहे हैं, कौन दे रहा है? सूरज सोनकर जी दे रहे हैं बी। भैया राज्य जैव विविधता बोर्ड की बात कर रहा हूँ, राज्य जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है आपका? भोपाल में लोकेटेड है, इंदौर में नहीं है। इस बात को याद रखो कि इंदौर में नहीं है। ठीक है, फूल सिंह मीना जी गुना में धनिया। ठीक है, चलो ये क्या हो गया आपका? तो इसका राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज अ ग्वालियर, ऑप्शन बी इज अ सागर, ऑप्शन सी इज अ भोपाल, ऑप्शन डी इज अ महेश्वर। आशुतोष जी का आया है, अच्छा निधि जी का, अब नया वाले का आंसर देना है। फूल सिंह मीना जी का आया, आदित्य कुमार जी भी, मुरैना से कौन है? मुरैना से भाई मैं हूं, हरिओम शर्मा जी बताइए कहां पर है। विजय कुमार जी का आ चुका है, प्रियंका वर्मा जी का आ चुका है, विजय कुमारी द्विवेदी जी का आया है सी आंसर, अरुण जी का आया है, हरिओम शर्मा जी का, मणिकर्णिका जी का, एन के सिंह जी का, सूरज सोनकर जी का, हरिओम सिंह जी का, सत्येंद्र जी का। आप लोगों की बात मान लूं क्या मैं? भोपाल लगा दूं सही आंसर? नीलम देवड़ा जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो तो बताना। हाँ भाई हेलो है, राम राम भी है, राधे राधे भी है। ये कौन है? सुधीर कुमार जी, कैसे भाई गलत कर रहे हो? भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। अच्छा सबने क्या दिया है आंसर? सबने भोपाल दिया है, तो ले लो सही आंसर, फिर ग्वालियर है। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो ये आपको दिखाई देगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लोकेटेड इन भोपाल। 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, सॉरी भोपाल नहीं बल्कि क्या होगा आपका? ग्वालियर। आप बताओ कौन कौन सही था भाई? जिसने बी सी, हाँ भाई कौन कौन दे रहा था भोपाल? अच्छा आंसर बदल गए, हाँ हाँ वो तो पिछले का, हाँ वो तो ठीक है, उसका तो छिंदवाड़ा ही था।
आप बताओ भाई कौन कौन था भोपाल के साथ? अच्छा नेहा सिंह जी का सही है, प्रियंका जी का गलत है भाई, कंफ्यूज हूँ सर जी। ठीक है सर मेरा गलत है, हरिओम शर्मा जी का। वाह तो आधे सबका गलत है अभी जितने लोग हैं ना हम लोग, तो ये मान के चलो आप 90% लोगों ने क्या किया था, इसका गलत आंसर दिया था। ठीक है राइट आंसर क्या होगा आपका? ग्वालियर होगा। इस बात को याद रखना, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान आदित्य कुमार जी। सर मेरा आंसर दिया था, हाँ आपने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, मेरा सही है, अच्छा आशीष जी का सही है, बहुत बढ़िया। अगला चलो आ जाओ, अरे बहुत आसान क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। तो देखो भाई गाय है नहीं, बाघ है नहीं, लायन है नहीं, तो बारहसिंगा है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है मैं खुद ही कर देता हूँ। आदित्य कुमार जी बहुत बढ़िया, होली में इसीलिए तो कह रहा था यार, होली के चक्कर में गलत हो गया तो क्या है, इतनी भांग नहीं पीनी थी, थोड़ा कम करते। ठीक है भांग हाँ ज़्यादा नहीं, कलर भी ज़्यादा नहीं, सर में चढ़ जाता है कई बार। हाँ आसान है इसका, ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वहाँ पर बात कर देते हैं। फूल सिंह मीना जी सरल वाली बात नहीं है, बात यह है कि हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरह जो है सभी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जिन्होंने इतनी तैयारी की हो, कुछ बच्चा कम इंटेलिजेंट हो सकता है उसके लिए भी ये क्वेश्चन है। देखो एग्जामिनर का कोई वो नहीं है, वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है ना, कठिन करे ये ज़रूरी नहीं है, जो आपको आसान लग रहा है कईयों को कठिन लग सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर तरीके के बच्चों को लेकर के चलना पड़ेगा, सबके लिए है। नेक्स्ट चलो, चलो कौन सा कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था आपका? हाँ तो भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा का ही है, उसमें क्या सोचना था, उसमें कुछ गलत हुआ था क्या? एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 16 देख लेता हूं, आप कह रहे हो तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा अच्छा इसमें, अच्छा इसका आंसर तो सही छिंदवाड़ा ही है, जबलपुर कैसे हो गया? भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा? छिंदवाड़ा ही सबसे बड़ा जिला है। कोई नहीं अगर मैंने उसमें नीचे आंसर लगा दिया था तो कोई बात नहीं, वो जबलपुर नहीं है भाई, छिंदवाड़ा ही सबसे बड़ा जिला है। ठीक है वो तो मैंने आपको बताया भी था, पड़ोसी राज्य नहीं है, आकर के बताओ। ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट, छत्तीसगढ़ उड़ीसा गुजरात महाराष्ट्र, अब कौन सा नहीं है पड़ोसी? तो उड़ीसा हमारा पड़ोसी नहीं है, ठीक है उड़ीसा हमारा पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। कौन सा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है उड़ीसा क्या नहीं हमारा पड़ोसी राज्य? नहीं है। विजय कुमार द्विवेदी जी बिल्कुल, चलो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी के। नेक्स्ट आओ अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया, में 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया, फरवरी 2016 एट द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन मध्य प्रदेश वॉज, ठीक है एस्टेब्लिश्ड इन, मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया कहां पर? ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी खंडवा, ऑप्शन डी दतिया। बिल्कुल विजय कुमार द्विवेदी जी इसका आ चुका है खरगोन, खरगोन खरगोन सब खरगोन कह रहे हैं। आदित्य कुमार जी, सतीश जी, हरिओम जी, प्रियंका वर्मा जी, पंचमलाल प्रजापति जी खरगोन खरगोन, अरुण गुर्जर जी ने बी कह दिया जबलपुर, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ आप लोग जल्दी जल्दी, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है? तो देखो अरुण गुर्जर जी गलत मत करना, ठीक है अगली बार से याद रखना, खरगोन सही आंसर है। ठीक है
खरगोन इज अ राइट आंसर, खरगोन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेट इन सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य है, गुजरात एंड राजस्थान, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप सभी बिल्कुल सही आंसर दे जाओगे। आशुतोष सिंगर जी का जा चुका है सी राजस्थान और यूपी, ठीक है, सूरज जी का आ चुका है, शिवम कश्यप जी का आ चुका है, आशीष धाकड़ जी परेशान है म्यांमार का क्या फंडा है, वो तो फंडा म्यांमार जाने और आप जाने, अभी तो हम एमपी में हैं, राजस्थान और यूपी, राजस्थान म्यांमार का भाई मैंने बता दिया ना, इसमें क्या आपका, तो देखो मध्य प्रदेश के उत्तर में राजस्थान और यूपी है, बिल्कुल। चलो आज के क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और करेंगे, इसका बता दो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है, द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश इज बी, बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और इसका आंसर टाइप करते रहो जल्दी जल्दी। अच्छा पंचमलाल प्रजापति जी नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आ जाइए, मालवा, मालवा, ठीक है, हाँ सबको कि हर किसी का ये आंसर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, द राइट आंसर इज अ मालवा, ठीक है, बिल्कुल मालवा। फूल सिंह मीना जी, हेमंत कुमार जी, मधु जी, अरुण जी, होशियार जी, बिल्कुल चलिए सॉरी, एक मिनट के लिए थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, अब उसको हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर लिया है, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास आ चुका होगा। हाँ ये रहा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, द राइट आंसर इज तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। ये क्या था, तो ये देश का प्रथम था, देश का भी प्रथम डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कहां पर था, भोपाल में था, बिल्कुल, हाँ भोपाल इज अ राइट आंसर, भोपाल आप सभी का सही आंसर है। बस आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही, कल फिर मिलते हैं और कल क्या करेंगे, इसके आगे की बात कर रहे होंगे, आप लोग इसका आराम से आंसर देना, बहुत आसान आंसर है, बल्कि इसके आगे का भी आंसर चाहो तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है, इसके बाद इसका भी आंसर दे दो, वाला संभाग कौन सा है, बस, और क्या करते हैं,
आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है, बिल्कुल, बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है, कल मिलते हैं। और कल मिलकर के क्या करेंगे, बातें करेंगे आगे की। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलते हैं। कल होगा स्पोर्ट्स का चैप्टर, एक बार स्पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ करके आइएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट।